आजकल हर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है कि सीबीएसई के जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं, रिमेनिंग एग्जाम जैसे कि मैं बात करूं कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस स्टडीज का एग्जाम रह रहा है, ज्योग्राफी का एग्जाम रह रहा है आर्ट्स स्ट्रीम में, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम रह रहा है, होम साइंस का एग्जाम रह रहा है, ये जो रिमेनिंग एग्जाम है सीबीएसई इन्हें कंडक्ट करवाएगी या नहीं। हालांकि सीबीएसई ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि सीबीएसई के जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं वो 1 से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। नीट के और जेईई के भी एडवांस जुलाई मंथ में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे और जो एडवांस लेवल के एग्जाम्स हैं वो अगस्त के मंथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूं एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के, क्या सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कर सकती है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गए हैं कल और उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उनके वकील ने, उनके एडवोकेट ने ये पेटिशन फाइल की है कि सीबीएसई को जुलाई मंथ में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीएसई के इस फैसले पर स्टे लगा देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए कि सीबीएसई ने जो ये फैसला किया है जुलाई के मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। अब उन्होंने इस पेटिशन के पीछे लॉजिक क्या दिया है, उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि जब सीबीएसई अपने 250 जो अदर सेंटर हैं, 250 अब्रोड में जो सेंटर्स हैं दूसरे देशों में, सीबीएसई के 250 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, जब वहाँ पर सीबीएसई ने ऑलरेडी एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं तो इंडिया में सीबीएसई क्यों एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करती है। उन्होंने इस पेटिशन में जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर का हवाला दिया है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है जो आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे। देखिए इस न्यूज़ में क्या कहा है पेटिशनर्स ने कि सीबीएसई का ये जो बिहेवियर है डिस्क्रिमिनेटरी है और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है सीबीएसई, क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इस टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना है। साथ साथ पेटिशनर्स ने अपनी पेटिशन में ये भी कहा है कि जो IIT या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान हैं जब वो अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो सीबीएसई क्यों नहीं अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन या कैंसिल कर सकती है। क्या सीबीएसई को इंडियन स्टूडेंट से, 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्थ से प्यार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लॉजिक दिया है कि एम्स की जो रिपोर्ट है, एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स की जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो कोरोना वायरस की महामारी है जुलाई के मंथ में इंडिया में पीक पर होगी और ऐसे में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स पे भेजना, जो 15,000 सेंटर्स सीबीएसई ने बनाए हैं वहाँ पर भेजना कितना सेफ होगा, क्या ये स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स का कहना यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चों की हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, पढ़ाई बाद में भी हो सकती है बट हेल्थ पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि एग्ज़ाम सीबीएसई को कंडक्ट करवाने चाहिए जुलाई मंथ में या नहीं करवाने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिख दीजिए। एज वेल एज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।